सो गाइस ये है वो पीक, बिल्कुल मैं जैसा बता रहा था कि ये लोकल्स के लिए ही है, तो हमें तो इधर जाना है क्योंकि हमें जाना है लाल टिब्बा वाले चर्च में। ठीक है, आज दीपका को लेके आया हूँ। लास्ट टाइम मैं अकेला था और वो एक्चुअली मैं रेनी वेदर में आया था, मौसम रेनी था तो मैं ज़्यादा एक्सप्लोर भी नहीं कर पाया था। अच्छा, अच्छी बात है ये। मैं एक बात शेयर करना चाह रहा था कि मतलब परमेश्वर के लोगों में जो प्रेम होता है ना, मतलब ज़बरदस्त। मतलब हम लोग इस चर्च में, मैं एक बार विज़िट कर चुका हूँ यहाँ पे और सेकंड टाइम आया हूँ, तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं एक फैमिली हूँ यहाँ पे ना। पास्टर, पास्टर की वाइफ, उनके जितने भी यहाँ पे लोग हैं, वो लोग ऐसे ग्रीट करें जैसे मैं उनका मतलब फैमिली मेम्बर हूँ, मैं यहीं रहता हूँ, वाइफ दीपका भी हम लोग। और सबसे अच्छी आते ही उन्होंने मतलब एकदम कॉफ़ी और ये सब सब ग्रीट करा हम लोगों को, बात कर। सो गाइस, ये अपनी गाड़ी और ये अपना चर्च, देखो कितना बड़ा है। उधर पूरा प्रॉपर है, ये सब है। ओ भाई सो रहे अपनी धूप का आनंद उठाते हुए। बहुत ही सुंदर लोकेशन है, बहुत प्यारा। सबसे अच्छी बात है कोई आएगा ना तो मतलब उनको ऐसे ग्रीट करते हैं जैसे मतलब ये उनके ही फैमिली मेंबर हो आप, मतलब ना ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट टाइम आप मिल रहे हो ऐसा करके ना। बहुत बढ़िया। सो गाइस, सच में वाकई में पास्टर जी ने बहुत ही सुंदर बनाया हुआ इस चर्च को, बहुत ज़्यादा सुंदर। इतनी ज़्यादा पास्टर ने ऑलरेडी ग्रीनरी है, बट पास्टर जी ने ग्रीनरी करी भी है। और ये हमारा चर्च, अभी प्रैक्टिस चल रही है अंदर, यूथ प्रैक्टिस कर रहा है अभी मीटिंग के लिए। सो गाइस, ये है वो रास्ता, यहाँ से नीचे उतर के आए हैं हम। ठीक है, ये थोड़ा सा ग्रीनरी है। ये दीपिका मैडम रेडी है हमारे साथ, चलते हैं। बड़ा खतरनाक रास्ता है गाइस। तो ये आ रही है मैडम मटकती हुई, अभी तो और है। हाँ, ज्यादा जोश जोश में नीचे ना पहुंच जाना बिल्कुल मैम, समझ गई। सो गाइस, काफी नीचे आ गए, वो खड़ी है मैडम नीचे आ तो गए पर नीचे अब रास्ता नहीं मिल रहा हमें, बिल्कुल प्लेन है, बिल्कुल प्लेन खाई है, खाई है। और हमें वो रास्ते पे जाना है नीचे जो दिख रहा है ना, वहाँ जाना है, उसी से हम लोग वो पीक पे जा पाएंगे। अभी दिखाता हूँ मैं कौन से पीक की बात कर रहा हूँ। हम यहाँ पे यहाँ आके अटक गए, ये रास्ता टूटा है शायद, ये उधर से पीछे से दिख रहा है वो रास्ता ना, वहाँ से ये इस शेड के ऊपर से वहाँ से हमें उधर आना है, उधर ये।
चर्च के बाद जाते हुए। गाइस अभी आ गए यहाँ पे, बहुत ही प्यारी ये लोकेशन, ये क्रॉस जहाँ हम थे अभी, वो ऊपर हम थे, वहाँ जो पेड़ के पीछे वो दिख रही है जगह आपको, वहाँ थे हम। और अभी हम ये थोड़ा सा इस लोकेशन को एंजॉय करने आए हैं। ये दीपिका, ये बसंती खड़ी अपनी, देखो मतलब परमेश्वर कितना अच्छा है। सारी गाड़ियां दूसरे रास्ते से जा रही हैं, पर वो पुलिस वाले ने, हम लोगों ने बोला कि हम लोग थोड़े से, हम लोगों को एरिया नहीं पता है, तो उसने कहा आप 5 मिनट साइड में लगा लो गाड़ी और मैं आपको इधर से ही निकलवा दूंगा। मतलब कितना, मतलब परमेश्वर अद्भुत है, कैसे कैसे पुलिस वाले को भी उसने इस्तेमाल कर लिया, जो लोगों को कह रहा है यहाँ से नहीं निकलना है, वहां से निकलना है। ठंडा नहीं लग रहा? खिड़की भी खोल दी तूने? खिड़की खोली है? खिड़की को खोल दी? बता क्या कर रहे? सो गाइस अब हम लोग निकल रहे हैं सहारनपुर के लिए वापस। सारा टूर हो गया हमारा, हमने लाल टिब्बा घूम लिया, जो जो चर्च मैंने गया था मैंने दीपिका को भी घुमा दिए, आप लोगों को भी घुमा दिया साथ में। और अब मैं जहां, मतलब मुझे संडे में चर्च भी जाना था, पास्टर से मिलना था, उनसे भी मैं मिल लिया, जो होना था सब हो गया, डन ऑल सेट। और अब आपको भी हम लोग करते हैं टाटा बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, है ना, क्योंकि यहाँ से अब हम जा रहे हैं एनटीसी, वहां से जॉयना को और उसकी नानी को पिक करेंगे और फिर डायरेक्ट हम लोग सहारनपुर की ओर निकलेंगे। तो इसलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय टाटा सी यू। तो गाइज ये है मसूरी अपना, लेट नाइट मसूरी का व्यूज, क्या सुंदर लग रहा है ना।